गोड्डा लोकसभा में जो है लड़ाई दो ही है, एक विकास की लड़ाई है जो माननीय सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे लड़ रहे हैं, दूसरा है देश हित की, जो राष्ट्र हित की बात करो तो उस पर माननीय नरेंद्र मोदी जी लड़ रहे हैं। सवाल आए कि जातिवादी को लेकर, तो प्रदीप यादव किस आधार पर कहते हैं कि हम यादव का लीडर हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता रहे हैं, जो भाजपा का समर्थक रहे हैं यादवों, उस समय समझिए कि पूरे देश में यादव का लीडर हुआ करते थे लालू यादव। कहीं भी अगर कोई बात हो तो लालू यादव को लोग नाम लिया करते थे। तो लालू यादव के समय में इस जगह हमारे गोड्डा लोकसभा में जगदम्बी यादव को लोग वोट दिया करते थे। जगदम्बी यादव उस समय चुनाव यहाँ से जीतते थे। प्रदीप यादव भी भारतीय जनता पार्टी में थे, उस समय वो सांसद भी बने यहाँ पर गोड्डा लोकसभा में, विधायक भी रहे हैं वो। आज वो नहीं है, उस समय भी यादव जो है बीजेपी को वोट करते थे। आज ये यादव और जाति का राजनीति के प्रदीप यादव कर रहे होंगे, ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं हम यादव बस्ती में हैं और पूरे विधानसभा में। अगर उनकी मंशा है इस तरह के कि हम यादव का लीडर हैं, प्रदीप यादव सोच रहे हैं, तो मैं इस चैनल के माध्यम से एक स्पष्ट बात बता देना चाहता हूँ कि इस बार जो चुनाव होगा मधुपुर विधानसभा में, मैं गोड्डा लोकसभा की बात करता हूँ और मैं अपने इस क्षेत्र की भी बात करता हूँ जहाँ से मैं विधानसभा का कार्यकर्ता होने के नाते, गोड्डा लोकसभा में प्रदीप यादव निशिकांत दुबे से लड़ता होगा, लेकिन मधुपुर विधानसभा में उनको संजय यादव से लड़ाई लड़ना पड़ेगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि प्रदीप यादव का यहाँ जमानत में जब्त करवा दूंगा, ये हम विश्वास। देखिए विकास को लेकर लहर है और लोगों को विश्वास है निशिकांत दुबे पर। अभी हम कई लोगों से मिल रहे थे, गांव के माताएं बहन से भी मिल रहे थे, लोगों से संपर्क कर रहे हैं, बुद्धिजीवी वर्ग से भी मिल रहे थे। लोगों को लग रहा है कि इतना साल में आज तक कोई सरकार हम लोग को जो नहीं दिया, जैसे आप सोच सकते हैं कि गैस योजना जो हमारे यहाँ पे चल रहा है वो कोई सरकार नहीं सोचा होगा, और वो आज नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हो रहा जो हमारे प्रधानमंत्री है। दूसरा, युवाओं के बीच में जो आप सुने, उन लोग भी कहें कि इस देश को मान और सम्मान अगर कोई दिला सकते हैं तो वो नरेंद्र मोदी है। जैसे भी आप पाकिस्तान पर हमला होना, पाकिस्तान से हमारे सैनिक को ले आना भारत में, ये एक अभिमान है, उन लोग को गर्व है ऐसे प्रधानमंत्री पर। इसलिए ये लहर है और युवाओं के बीच में एक नया जोश है, उस जोश के साथ युवा वर्ग जो है भाजपा की ओर जा रहा है, भाजपा पर विश्वास कर रहा है, और हमारे बड़ी बड़ी योजना जो हमारे यहाँ के सांसद है निशिकांत दुबे जी, कई बड़ी बड़ी योजना हम अभी बगल में आप देखिए जोड़ामू का जो रेलवे स्टेशन है, पहले क्या स्थिति था, आज के देखिए क्या शोधीकरण हो रहा है, कितना काम हो रहा, यहाँ पे रोड बन रहा, पुल पुलिया कई ऐसा है बना है, तो इस पे हम लोग विश्वास है। जहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जाति का कोई राजनीति के यहाँ होने नहीं जा रहा है, जाति का कोई लड़ाई नहीं हम लोगों का, सिर्फ हम लोग का विकास का लड़ाई है। हम विकास पे बात करने जा रहे हैं, हम राष्ट्र हित पर बात करने जा रहे हैं, और ये युवा जो टोली है सब जो है भगत सिंह चंद्रशेखर बन के निकल चुका है, और ये गाना गाते हुए निकलता है, चलो डोली हम चले तैयार हो, इस तरह से बन के लोग अपना लड़ाई लड़ने की। पानी का समस्या तभी निदान हो सकता है जब बड़ा डैम हो, जैसे आप मान लीजिए पुनासी डैम है बगल में जो बन रहा है, सोचिए 34 साल तक वहाँ पे राजनीतिक हुआ, न जाने वहाँ दो दो तीन तीन नेता का जन्म हुआ। सुरेश पासवान राजनीतिक किया वहीं से, आज संतोष पासवान किया राजनीतिक वही पुनासी डैम से। पुनासी डैम को ये लोग राजनीतिक केंद्र बना लिया, लेकिन पुनासी बन जाए, लोगों को पानी मिल जाए, लोगों को सुविधा हो जाए, किसान को पानी मिल जाए, वो चिंता इन लोगों को नहीं। ये चिंता है कि बस इसके नाम पर हम चंदा उगाही करें, ठेकेदारी करें, रंगदारी करें। और जब 2009 में जब निशिकांत दुबे यहाँ से चुनाव जीत के गए और उन्होंने जब पुनासी गए, पुनासी में वादा किए कि हम पुनासी को बना के दिखाएंगे, और आज अभी आप देख सकते हैं कि पुनासी का काम कंप्लीट हो चुका है। पुनासी में इतना पानी है कि आपको लगेगा कि गंगा की तरह पानी भरा हुआ है, और पुनासी में विरोध करने वाला व्यक्ति कौन है जो उस जगह पे लोग पानी यूज करेगा। पुनासी का विरोध करने वाला तीन ही आदमी है और वो गठबंधन में है, एक है प्रदीप यादव, दूसरा है सुरेश पासवान, तीसरा है फुरकान अंसारी। अब आप समझिए अगर वहाँ पुनासी बनता है, पुनासी के अगल बगल में ज्यादा किसान है पासवान लोग,
अगर वहाँ पुनासी कंप्लीट हो जा रहा है और पानी मिलेगा तो पासवान लोगों को, ज्यादा किसान जो हमारे पासवान भाई लोग हैं, उन लोगों को फायदा होगा और उन लोगों को खेती होगी। और विरोध करने वाला उन्हीं का नेता। अब वहाँ दूसरा आता है प्रदीप यादव अपने ही समुदाय का विरोध करवा रहा है। अगर पुनासी से पानी जाएगा मोहनपुर और मोहनपुर तक केनाल बन के जा रहा है, तो वहाँ पे जो यादवों का संख्या 60,000 वहाँ का संख्या है किसान का, अब आप समझिए कि पुनासी जो पानी जाएगा तो वो किसका फायदा होगा? उन्हीं का समाज के, हमारे समाज के लोगों को फायदा होगा, हर लोगों को फायदा होगा। लेकिन विरोधी कौन? प्रदीप यादव। अब इधर लीजिए आप फुरकान अंसारी, वो भी विरोधी है पुनासी का, वो विरोध कर रहे हैं और उनको फायदा मिल रहा है। सरावा में जितना है अल्पसंख्यक के लोग, ज्यादातर खेती वही लोग करते हैं, तो विरोध करने वाला वही लोग है। इसलिए तीन चेहरा जो है पानी विरोधी का है। ये लोग नहीं चाहता है कि क्षेत्र में पानी आए। अभी आप जाइए गुड्डा में, महागामा में, पुनासी में, केनाल से पानी जा रहा है और खेती हो रहा है। वहाँ के किसान भाई लोग आज वहाँ खेती कर पा रहा है, तो वो क्या हुआ? गंगा, जब निशिकांत दुबे कह दिए थे कि हम गंगा लाएंगे गोड्डा लोकसभा में, लोगों ने कहा कि ये भगीरथ अब दूसरा बनने वाला है, और ये तरह तरह की बात हुआ करता था। लेकिन क्या हुआ आज? आज गोड्डा में गंगा भी आया और गंगा आके लोग वहाँ खेती के द्वारा उनको दिया जा रहा, पानी हो रहा, खेती हो रहा, सब कुछ हो रहा वहाँ। आज बूढ़े योजना जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा, बूढ़े डैम अगर बन जाएगा, तो बूढ़े डैम बनने के बाद मधुपुर विधानसभा को फायदा होगा, बगल में आपका सारण को फायदा होगा, बगल में आपको सरावा को फायदा होगा। तो ये पुनासी डैम बनने के बाद ही होगा। आज तो एक नाम है मधुपुर में जो बूढ़े डैम बनने वाला है उससे हो जाएगा, और हमको लगता है कि अगले ये चुनाव के बाद जो है बूढ़े डैम का काम चालू होगा। उसका टेंडर का पोजिशन पर आया हुआ है, DPR बन के कम्प्लीट है उसका। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये दावे के साथ कर सकता हूँ कि प्रदीप यादव की जमानत जब्त करवा देंगे। 3.5 लाख से ऊपर जाने वाला नहीं है वो। जितना भी गठबंधन क्या है, गठबंधन जो है लोगों के बीच का है, जो नेता है वो लोग गठबंधन किया हुआ, जनता ने किया हुआ। जब आप प्रदीप यादव को घूमते देखते होंगे तो हाजी साहब को देखते होंगे, चुन्ना सिंह को देखते होंगे, सहीम खान को देखते हैं, लेकिन जमात उनके पीछे नहीं जा रहा। उनका बैठक जब भी देखिएगा तो उतना ही लोग के बीच का है। जमात जहाँ देखिए निशिकांत दुबे जहाँ पर आपका जो प्रोग्राम कर रहे हैं, या उनकी धर्म पत्नी अनुकांत दुबे वो कर रही है, या हम लोग क्षेत्र में कार्यकर्ता भाजपा को जो घूम रहे हैं, युवा वर्ग जो हमारे साथ चल रहा है, जो युवा लोग है, एक एक कार्यकर्ता यहाँ पर नरेंद्र मोदी बना हुआ, एक एक कार्यकर्ता यहाँ निशिकांत दुबे बना हुआ है। हर लोगों का इच्छा है कि भाजपा की सरकार आए, नरेंद्र मोदी यहाँ का दोबारा प्रधानमंत्री बने, इस क्षेत्र का विकास हो, इस राष्ट्र की